रायबरेली जनपद में हम आ गए हैं। यहाँ पे एक स्कूल है दयावती मोदी पब्लिक स्कूल। ये स्कूल की एक थोड़ी खास बात है, मेरे लिए तो ये स्कूल बड़ा खास है क्योंकि मैं खुद ही इस स्कूल का एक विद्यार्थी रह चुका हूँ। कुछ यहाँ नया दिख रहा है, अभी तक ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पहले था वैसा अभी भी है। इसका हम अंदर जाते हैं, हल्का सा गेट लगा है, शायद अभी स्कूल की छुट्टी हो गई है या गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। तो ये मेरा वीडियो अपने पुरानी यादों को समर्पित है, स्कूल डेज पे, हाई स्कूल इंटर मैंने यहीं पे किया था। अच्छा, आपके यहाँ ड्यूटी है? हाँ, ड्यूटी। अच्छा, अभी आ रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ पे नया ये एक लागू हो गया, हमारे समय में तो नहीं था, मोबाइल वगैरह हम लोग समय में प्रचलित था ही नहीं। इधर प्रिंसिपल ऑफिस है ये पूरा। हम विवेकानंद हाउस में थे। अच्छा, फिंगरप्रिंट यहाँ पर भी अब चालू हो गया है। ये दिलशाद जी हमारा स्कूल है पुराना। गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, लग रहा है इसी कारण ये परिसर पूरा बंद है। हाँ, ये काफ़ी अच्छा स्कूल है रायबरेली का, उस समय का भी नंबर वन था, अभी भी शायद यही है। अरे, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी लग रहा है, यहाँ चल रहा है, कोई नज़र आ नहीं रहा है। ये तो नया कोई बिल्डिंग लग रहा है, बन रहा है ये, शायद ये साइंस ब्लॉक, ये हमारे समय में ही नया बना था। ये हम लोग का स्कूल ग्राउंड है। स्कूल ग्राउंड में अब यहाँ पे जो है बाउंड्री हो गई है, जिस समय हम पढ़ते थे उस समय बाउंड्री नहीं थी। ये स्टेज हालांकि वैसा का वैसा ही है अभी भी। हम लोग यहाँ 100 मीटर 400 मीटर की रेस लगाते थे, पूरा ये मतलब स्पोर्ट्स डे होता है तो ये पूरा बन जाता है। इधर बसें खड़ी होती थी, पीछे देखते हैं ज़रा क्या हालचाल है। ये स्टेज था, स्टेज पे हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए हुए हैं। आज वही यादें थोड़ी ताज़ा हो रही हैं, मेरी शक्ल दिख रही होगी मेरे ख्याल से। पीछे हम लोग का यहाँ बस, हम लोग क्योंकि ये शहर से दूर था तो हम लोग बस से आते थे। ये पीछे इस जगह बसें खड़ी रहती थी, एक सोलर लाइट है, ये हमारे समय में नहीं लगा था। बसें कोई नहीं खड़ी हैं मेरे ख्याल से, शायद छुट्टियां चल रही इसी कारण। हाँ, ये देखिए, ये पूरा परिसर जो है ये चार दीवारी बना दी गई है। पहले चार दीवारी नहीं थी, आसपास पूरे गन्ने के वो खेत हुआ करते थे। ये पूरा बाउंड्री वॉल हो गया मेरे ख्याल से, हो सकता कुछ विवाद हुआ हो या कोई भी कारण हुआ हो, ये पूरा बाउंड्री वॉल कर दिया गया है। चलो, इस स्कूल को नमन प्रणाम। यहाँ जो अच्छे संस्कार मैंने लिए, आज भी मैं उनको निर्वाहन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, ये DMPS दयावती मोदी पब्लिक स्कूल है। यहाँ पर मैंने अपनी स्कूलिंग करी है, 10th और 12th मैंने यहीं से किया है। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मुझे लग रहा है कि 17 साल बाद का ये वीडियो है जो मैं आके बना रहा हूँ, मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। और मेरे वो साथी जो अब मेरे टच में नहीं हैं, अगर वो ये वीडियो देखें तो मुझसे संपर्क करें, वो जाने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ये चैनल,
और कुछ मैसेज भेजें, मैसेज में अपना मोबाइल नंबर भेजें। बहुत ही ख़ास बात यह है कि जब हम लोग पढ़ते थे तब मोबाइल और इंटरनेट इतना नहीं था। जो हम लोग रिजल्ट्स भी आते थे वो प्रिंटेड फॉर्म में आते थे, जो एक प्रिपरेटरी स्कूल है वहाँ वो लगा करता था। आज तो मैं आया तो मैं बड़ा वो शौक हो गया, उसमें लगा था कि मोबाइल, पान और टोबैको नॉट अलाउड, जो कि दोनों चीज़ें हैं, मिक्स फीलिंग है। तो अभी यहाँ मेरा कोई स्कूल टीचर वगैरह नहीं है, इस समय गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं। आज 7 जून है, हम लोग रायबरेली में पूरा समय चक्र घूम के दोबारा एज अ साइंटिस्ट मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ जनता जनार्दन के बीच में हम लोग को मोबाइल ऐप का वर्कशॉप एक करवानी है पंचायती राज के लिए, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो आप ये देखिए, आपने स्कूल परिसर मैंने पूरा दिखा दिया होगा, अंदर कई चीज़ें बंद हैं क्योंकि अभी वो छुट्टियाँ चल रही हैं, नहीं तो मैं क्लासरूम से भी आप लोग को दिखाऊँगा बताऊँगा।